हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो फिर ना कल देर रात तक मामा ने किचन का ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प करती हूँ, तो मैंने भी साथ साथ में किया काफी था। लेट तक हमने किया। हाँ, एंड उसके बाद आज ना थोड़ा उठने में लेट हो गया और अभी हम पी रहे हैं ये नारियल पानी। ब्रेकफास्ट हम लेके जा रहे हैं घर पे, क्योंकि आज थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो यूटेंसिल्स बाहर निकल गए। तो अभी हम घर पे जाके शांति से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम नारियल पानी पी के घर जाते हैं। यस, सो हम घर पर तो आ गए थे। उसके बाद ना हमने थोड़ा बहुत वर्क किया, लाइक नारियल पानी पिया था तो तुरंत फिर ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, सो हमने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन और किया। और किचन का ना ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही फिनिश हो गया। हाँ, ये प्लेटफॉर्म ऊपर से क्लीन करना बाकी है, मतलब सब कुछ हो गया है। पर हो सकता यस है अभी फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़े, बट एक बार सारा सेट हो गया अभी तो। हाँ वो है। और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में है जलेबी फाफड़ा विथ ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, एंड साथ में मेरा बोनविटा है, मम्मा की चाय है, और बस लेट्स स्टार्ट ब्रेकफास्ट। देखिए, जस्ट हमने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, उसके बाद ये डोर सिल आ गई। और डोर सिल ना ये वाली हमने मंगवाई है, फास्ट वास्ट भी लग जाती है, नीचे से डस्ट वगैरह भी नहीं आती है, इंसेक्ट्स भी नहीं आते, छोटे छोटे होते हैं ना वो भी नहीं आते हैं। एंड साथ साथ में ये भी आ गया है, ये डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट्स है। एक्चुअली पहले तो हम ना 6 सीटर ही डाइनिंग टेबल लेने वाले थे, बट यहाँ की जगह के हिसाब से फिर हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल ही लिया। सो प्लेसमेंट ना सब लोगों को ये 6 सीटर वाली पसंद आ गई, तो हमने सोचा लाइक डिज़ाइन 6 सीटर में ही थी ये वाली, 4 में नहीं थी, तो हमने सोचा कोई बात नहीं ये मंगवा लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा 2 रहेगी ना दोनों में, तो वो फिर अगर कोई बिगड़ गई तो काम आएगी। एंड ये वाटर प्रूफ होती है ना, तो हमने सोचा है ये वाली ऑर्डर करते हैं, सबको बहुत पसंद आ गई थी। चलिए अब फिर ये ना इसमें से निकाल लेते हैं सारी। तो देखिए प्लेसमेंट्स के साथ ना ये सारे कोस्टर्स भी आए थे, सो ये एक टाइप की मिनी प्लेसमेंट्स ही है। इसके ऊपर चाय का कप वगैरह रखना हो, मिल्क का कप रखना हो। तो मैंने आपको कहा था ना कि 2 प्लेसमेंट्स बच रही है, तो वो हमने यहाँ पे फ्रिज के शेल्फ में रखी, तो एटलीस्ट हम ये 2 शेल्फ तो पहले यूज़ कर सकेंगे। जब तक हम वो फ्रिज की प्रॉपर प्लेसमेंट्स देते तब तक मैं ये लगा लेती हूँ। ये क्या है, लगा के आपको बताती हूँ। तो बस ये तो वही है जो हम फ्रिज पे नहीं लगाते लिस्ट के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, आई मीन यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे, एंड दूसरा ये है कि वहाँ पे लगाऊंगी और वहाँ पर तो स्टिकर है, तो शायद उसका मैग्नेट कम ना वर्क करे। सो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ना ये मिनी जो स्कूटर है ना उसके ऊपर इस तरह से कवर लगाया था, तो बस अभी मैं वही कट कर रही हूँ। तो चलिए अभी फाइनली आज ना किचन कंप्लीट टू कंप्लीट ऑर्गेनाइज हो गया है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अरे हाँ, उससे पहले ना ये तो मैं आपको दिखा दूँ, ये है सारी प्लेसमेंट्स डाइनिंग टेबल की, तो वो भी हमने ऑर्गेनाइज कर ली है। एंड 2 बाकी की प्लेसमेंट बच रही थी ना, वो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रिज में रखी है। एंड ये जो कोस्टर्स है ना वो तो अभी यहाँ भी रखे हैं, फिर देखते हैं लाइक यहाँ पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज करें डाइनिंग टेबल पर। ये छोटू सा फोक ऑर्गेनाइजर रखा है, एंड यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया ही है ना, लाइक जब तक फ्रिज की प्रॉपरली मैट हम लेते नहीं है ना यहाँ पे, तब तक हमने सोचा कि ये दोनों यहाँ पे रखते हैं। एंड फाइनली ना ये यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ वो कन्फ्यूजन था, बट क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे ये इसकी फाइनल प्लेस है। एंड ये डस्टबिन हमने यहाँ पे रखी है। तो देखिए ये है पूरे किचन का एकदम दूर से व्यू, कैसा लग रहा है आपको? एंड अब मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ पे रखी है। वैसे अभी लाइक फाइनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है कि ये चीज़ की यहाँ पर ही प्लेस रहेगी, बट हाँ पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया है। एंड येस बाय द वे, यहाँ पर अभी तो हमने इंडक्शन ही रखा है, क्योंकि गैस की पाइपलाइन को आने में अभी अप्रॉक्सीमेटली 20 days to 1 month की देर है, तो अभी फटाफट से गैस स्टोव लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट हाँ एक बार पूरे घर का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना फिर हम गैस स्टोव लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ड्रॉअर में बॉल्स रखे हैं, ग्लासेस रखे हैं, एंड सॉसर्स रखी है, फिर एक्चुअली खाली है अभी कुछ नहीं रखा है, कुछ चीज़ें ना लेनी बाकी है तो फिर वो रखेंगे। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि ये अपम मेकर वगैरह वगैरह। देखिए इसमें ना स्पून्स है, बड़ी स्पून्स, छोटी स्पून्स, फिर ये सब चीज़ें, नाइफ्स वगैरह और ये सब। देन अगेन ये भी खाली है। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा था ना, इसमें सॉसेस रखनी होती है और इसमें कप्स, बट सॉसर रखते हैं ना तो ये बंद नहीं हो रहा था। ये देखिए एक मैंने रखी है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बंद ही नहीं हो रहा है फिर, तो इसीलिए ना हमने फिर सॉसर्स ये वाले ड्रॉअर में रख दी है और ये खाली रखा है। अब देखते हैं इसका क्या करना है।
और इसमें है सारी प्लेट्स। एक्चुअली इसमें छोटी प्लेट्स रखते हैं ना यहाँ पे, तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ऊपर से बंद नहीं हो रही है। सो ये जो ड्रॉअर है ना, उसमें सबसे पहले तो ये टी, शुगर एंड कॉफ़ी है। उसकी जगह तो कहीं और होने वाली है बाद में, लेकिन फ़िलहाल उसे यहाँ पर रखा है। दैन ये सब, दैन ये वाला ड्रॉअर में ना इस टाइप के यूटेंसिल्स है। फिर आता है ये नीचे वाला ड्रॉअर, और इसमें कुकर रखा है, छोटे छोटे डिब्बे, बड़े बड़े डिब्बे, एंड ये वाला डिब्बा तो बस ये यूटेंसिल्स रखे हैं इसमें। फिर ये और ये दोनों, लाइक ये पूरा एक ही शेल्फ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से भी हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं, और फिर ये दोनों भी है। तो देखिए यहाँ पर भी वही वाला लाइक शेल्फ है, और ये जो बड़े बड़े डिब्बे हैं ना, वो नहीं होता गेहूँ के आटे के डिब्बे, फिर वो सब है। एंड ये और कुछ लाइक रैंडम यूटेंसिल्स है इस टाइप्स। एंड फिर ये तो ना बेसिन के नीचे वाला है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए फिर ये वाली जो साइड है ना, इसमें सारी रखी है ग्रोसरी की चीज़ें, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें जार्स में भी है, जैसे कि पल्सेस हो गया, राइस वगैरह। लेकिन बहुत सारे पैकेट्स ऐसे भी है जिसको जार में अभी ऑर्गेनाइज करना है, तो वो बाकी है। लाइक ये सारे कबर्स में ना एकदम ही रैंडमली सब कुछ रखा हुआ है। तो चलिए, हाँ मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि आज मैं सोच रही हूँ कि पूरे दिन में लाइक 24 आवर्स में मैं अपने रूम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ, क्योंकि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, सब ढूंढना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे चैलेंज लेते कि पूरे एक दिन में सब कुछ कम्प्लीट कर लेना है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए रूम की हालत ना कुछ अलग ही लेवल पर मैसी हो गई है। एक्चुअली 3-4 दिन से हम आए हुए हैं, लेकिन कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल में मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया नहीं है, और उसके यूज़ किए बिना ही लाइक यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैंने रखी थी जो ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो ना सब कुछ मैसे मैसे हो गया है कि ये लेना है, वो लेना है, वो कहते कहते सब बाहर निकल गया है। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए लाइक ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करना होगा। कबर्ड ना एकदम ही खाली है। एंड ये देखिए ये जो शेल्फ्स है ना, उसको हम निकाल भी सकते हैं अगर हमें हैंगर में टॉप्स वगैरह रखने हैं तो। एंड ये दोनों है ड्रॉर्स यहाँ पे, और नीचे ना 3 शेल्फ्स दिए गए हैं। इस साइड भी सेम तरह से शेल्फ्स का है। अरे ये मेरी ईयर टॉप पूरी तरह से एम्प्टी वार्डरोब नहीं हुआ ना, ईयर टॉप से अंदर है। और इसमें ना थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन है कि यहाँ पे 2 ड्रॉर्स तो है बट इस तरह से हैं, एंड यहाँ पे ये है छोटू सा कबर्ड जैसा, और नीचे फिर यहाँ पे ना 2 ही शेल्फ्स दिए गए हैं। तो सेम ही कुछ ड्रेसिंग टेबल की भी हालत है। अब इसके पहले वाला जो ड्रेसिंग टेबल था ना, उसमें क्या था कि टोटल 5 शेल्फ्स थे, तो लाइक टोटल 5 ऐसे जगह पर हम रख सकते हैं, बट इसमें ना टोटल 4 ही शेल्फ्स हैं। तो अब देखते हैं कि किस टाइप से ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो अभी ना हमें भूख लग रही है, सो हम खाने वाले हैं वाटरमेलन। ठंडा ठंडा है एंड मीठा मीठा भी है। एक्चुअली ठंडा ठंडा है वो तो मज़ा ही आ गया, लेकिन हर वाटरमेलन ना मीठा मीठा नहीं होता, लेकिन ये बहुत मीठा है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली वॉशिंग मशीन कुछ इस टाइप से रखना पड़ा। वहाँ पे वो वाले घर में तो OTS में प्लेस मिल रही थी ना, जहाँ पे लाइक वॉशिंग मशीन बारिश है तो भी गीला ना हो जाए, तो वो हमने वहाँ पे रखा था। लेकिन ये अभी हमें यहाँ पे रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इस घर में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तो वो मैंने सुखाना स्टार्ट कर दिया, आप चलिए मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी ना मैंने क्लीनिंग फर्नीचर का स्टार्ट कर दिया है, तो मैं सबसे पहले वेट क्लोथ से करूँगी एंड फिर ड्राई क्लोथ से। सो देखिए अभी ना वन साइड का पूरा ये कबर्ड क्लीन हो गया है। तो ये पूरा वुडन का है ना, इसलिए मैंने सोचा फास्ट पैन रख के इसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं पूरा कम्प्लीटली, और तब तक मैं क्लीन कर लेती हूँ ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ये जब तक पार्ट खुला है तब तक ये स्लाइडिंग वाला तो मैं क्लीन कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्लाइडिंग है। एंड ये ना सब कुछ पूरा इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है ना कि मैं एक एक करती जाऊँगी, फिर आपसे शेयर करती जाऊँगी, तो लाइक मुझे भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा एंड आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो पूरा ऑर्गेनाइज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ना हमें फिर से भूख लग रही थी, एंड यहाँ पे ना इंडक्शन पर बन रही है मैगी। सो अभी बस थोड़ी देर में इवनिंग हो ही जाएगी, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है बट काफ़ी बाकी भी है। एंड एक्चुअली मैगी इंडक्शन पर बन रही थी ना, तो मैं उसको ऐसे हिलाती जा रही थी। तो इंडक्शन को बंद कर दिया है और वो बस थोड़ी देर में बंद हो ही जाएगा। सो ये है हमारी मैगी जो रेडी हो गई है, एंड अब मम्मा इसमें सर्व कर रहे हैं,
एंड बाय द वे ये है आटा नूडल्स। ओह नो, इसमें फोक तो नहीं है, आई थिंक हम वहाँ से फोक लाए ही नहीं है। कोई बात नहीं, ना हम रह गए लाने। हाँ तो फिर ना मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी एंड डिनर का टाइम हो गया था, तो हम गए बाहर डिनर करने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे एंड अभी बज रहा है 7:47। एक्चुअली कल रात को मैं ऑर्गेनाइज करते करते सो गई थी, तो आज थोड़ा ही ऑर्गेनाइज करना रहा था, तो मैंने फाइनली सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड पूरा रूम मेरा हो गया है ऑर्गेनाइज। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक्चुअली अभी ना सारे क्लोथ्स नहीं आ गए हैं क्योंकि बहुत से अभी वॉश करने में भी गए हैं, मतलब वॉश होने वाले हैं, एंड बहुत से अभी नहीं होता, लगेज शिफ्ट हुआ तो लगेज वाले बॉक्सेस में भी पड़े हुए हैं, तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे ना मैं ऑर्गेनाइज करती जाऊँगी। तो ये दोनों ना अभी एकदम ही खाली है, तो इसमें डेली डायरी वगैरह कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो देखिए वैसे ये पूरा जो शेल्फ है ना वो अभी तो रखा है बॉटम्स का, लेकिन अभी बहुत से बॉटम्स ना मेरे ऊपर सूख रहे हैं एंड बहुत से वॉश होने भी बाकी है। और ये जो नीचे बेडशीट है ना वो एक्चुअली अभी विंडो के कर्टेंस आए नहीं है तो मैं वहाँ पर रखती हूँ, फिर हैंडी रहे इसलिए यहाँ पर ही रखा है। तो चलिए मैं अभी आपको ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ। एक्चुअली वार्डरोब ना मैं आपको पूरा ऑर्गेनाइज करके फिर ही दिखाऊंगी, तो मैंने सोचा अभी ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले है ये बैग। तो देखिए ये ना इसमें सारी हेयर बैंड्स है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सारी हेयर बैंड्स क्यों है। तो यहाँ पर ये जो हेयर बैंड का पाइप है ना वो अभी तक नहीं है, मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ डिफरेंट करें, लाइक हेयर बैंड ऑर्गेनाइजर ले, तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल तो सारी हेयर बैंड्स इसमें है। सो यहाँ पर तो एज़ यूजुअल जैसे मैं रखती थी ना सारे, लाइक सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के रबर्स है और सारी ये हेयर क्लिप्स है। सो इन दोनों में आपको बताया ना मेरी बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स है तो वो इसमें रखी है। एक्चुअली वो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है ना उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट वाला, वो भी कहीं से निकला नहीं है सामान पैकिंग वाले बॉक्सेस में, एंड वो एक ट्री वाला भी था ब्लैक कलर का तो वो भी अभी नहीं निकला है, तो वो भी बाकी है एंड इसलिए फ़िलहाल तो मैंने इसमें रखे हैं। तो देखिए इसमें है सारी मेरी नेल पेंट्स एंड नेल आर्ट का सामान, एंड फिर यहाँ पे ये दोनों है बेल्ट्स। एक्चुअली बेल्ट का जो वो पाउच था ना वो भी नहीं निकला है, तो वो जैसे ही आ जाएगा फिर मैं रख दूँगी। तो देखिए अभी यहाँ पर ना ये दोनों शेल्फ्स में छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज रखे हैं। एक्चुअली आपको पता है वो ट्रांसपेरेंट वाला एक मेकअप ऑर्गेनाइजर था मेरे पास, लेकिन वो भी सामान में से कहीं पर अभी नहीं निकला है, धीरे धीरे कुछ बॉक्सेस अभी जो बचा है ना उसमें से निकलता जाएगा, बट फिलहाल यहाँ पर ये दोनों शेल्फ्स खाली रह रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ पर रखते हैं। एंड इस वाले रूम में तो वो ऑर्गेनाइज़र कैसा था, सॉरी शोकेस था ना जिसमें ये सब सॉफ्ट टॉयज एंड शोपीसेस में ऑर्गेनाइज करती थी, तो वो भी अभी इस रूम में तो नहीं है, तो देखते हैं कुछ करते हैं शो पीसेस का कि कहाँ पे रखें। देन ये दोनों एज यूजुअल मेरी वैनिटीज़ है, तो लाइक हर रोज़ की इयर रिंग्स मैं इसमें रखती जाऊँगी फिर ऑर्गेनाइज करूँगी, इस टाइप से अभी तो रखा है, फिर देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है। अब चलिए ये ड्रॉर से स्टार्ट करते हैं। और ये नेकलेसेस, ये सारे ईयर टॉप्स, यहाँ नेकलेसेस सारे, उसके पेंडेंट्स भी है एंड इसमें ब्रेसलेट्स, रिस्ट वॉच, और बस ये तो जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा ना, लाइक हर रोज़ की नेकलेस वगैरह वो। अभी मैंने ना इन सब में कीचेंस नहीं लगाया है, मैं सोच रही थी ना वो हार्ट वाले कीचेंस लगाना है तो बाद में मैं लगा दूंगी। इसमें सारे मेरे स्क्रंचीज एंड ये एक्चुअली अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, पता नहीं ये स्क्रंची कहाँ से आ गया, तो मैं वही सोच रही थी कि ये लास्ट ड्रॉअर में क्या ऑर्गेनाइज़ करूँ, जैसे मुझे आइडिया आ जाएगा ना मैं कर लूँगी। आपको क्या लगता है मुझे ये लास्ट ड्रॉअर में लाइक क्या रखना चाहिए, कमेंट करके बताना आपको अगर कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। तो बस ये हो गया मेरा पूरा रूम ऑर्गेनाइज एंड बेड भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इस रूम में ना एक बात बहुत ही अच्छी है कि लाइक सनराइज डायरेक्टली मेरे रूम में आएंगे, जैसे पिछली बार कैसे वो वाले रूम में आते थे वैसे ही यहाँ पे आएंगे, तो वो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यस, एक और बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी एक्चुअली, कि ये जो बेड है ना वो हाइड्रोलिक है और लाइक हाफ हाइड्रोलिक है, तो अभी मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बट जैसे जैसे सामान निकलता जाएगा वैसे मैं करती जाऊंगी, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। एंड यस, 24 आवर्स वाली जो चैलेंज है ना वो फिनिश हो गई है। तो बस यही कुछ था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।